पूर्णिया के डगरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत डुमरा के केदारे टोला में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई है, जिसमें करीब एक दर्जन लोग जख्मी हुए हैं। कुछ की स्थिति ज्यादा नाजुक बनी हुई है। सभी का उपचार पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। बताया गया कि फसल काटने के बाद खेत की जुताई करने के दरमियान दोनों पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के नूर आलम, रहमत हुसैन, मोहसिन आलम, अरशद, राजा आशिक सज्जाद, अलाउद्दीन समेत कई लोग जख्मी हुए। वहीं दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति को चोट आई है, उनका भी उपचार पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। मारने वालों में मोहम्मद इस्लाम, नाजिद, फजलू, मुजम्मिल, परवेज, शफीक समेत दर्जनों लोगों का नाम दिया गया है। इस संदर्भ में डगरवा थाना में शिकायत की गई है और पुलिस के निर्देश के आलोक में जख्मी लोगों का उपचार पूर्णिया के मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। लोगों का जमीन है और शुरू से हम ही लोग जोत करके आ रहे हैं, हैं तो अगला पार्टी को हम लोग बोले, अगला पार्टी को हम लोगों ने सातों भाई से मिल करके बोले कि देखो जहाँ जो जोत रहा है वहाँ जोतो, केस चल रहा है, केस जिसके हक में फैसला होगा है वो ज़मीन ले लेगा, लेकिन अभी अभी हम लोग जोत रहे हैं तो इसलिए हम लोग अभी जोतेंगे। और हम लोग खाली हाथ से गए थे पाँचों भाई से, हैं हम लोगों के पास में कोई चीज़ कोई हथियार या कुछ भी नहीं था। वो लोग हथियार वगैरह ले करके आए थे, सारा सामान लेकर के आए थे वो लोग, हैं तलवार था उन लोगों के पास में, सरिया मोड़ने वाला डाई था, फरसा था और बल्लम था, हैं और सरिया सब लेकर के ये लोग कम से कम तो तकरीबन 50 इंसान आए थे। और हम लोग सिर्फ पांच भाई से थे, हम लोग पांचों भाई थे और अभी दो भाई जो है हम लोगों का सीरियस है। और ये मेरा लड़का है, हैं ये मतलब अभी पढ़ाई कर रहा है, फाइनल किया है कॉलेज, अभी अभी फाइनल किया है और कॉलेज फाइनल करके अभी राजस्थान पुलिस में जो फॉर्म भी भरा है, हम लोगों ने मना किया कि नहीं, मतलब जो ज़मीन जहाँ जोत रहा है वहाँ जोतिए, हैं और जिसके हक में फैसला होगा वो ज़मीन ले लेगा, लेकिन नहीं माना। और ये लोग जो है सारा सामान के साथ में हैं, पूरे सब कोई आ गया इसमें, जो है ज़्यादातर आगे जो है इस्लाम नाम है पिता अब्दुल हनीफ, कि नहीं नहीं होगा, आप जो बोलिएगा उसी हिसाब से होगा, हम दे नहीं कल नहीं, हम 24 तारीख को जोतेंगे। मुंशी जो है ये आवेदन हमारा नहीं लिया। कितना ज़मीन का मामला है ये? एक एकड़ डेढ़ दो एकड़ ज़मीन है वहाँ पे, दो एकड़ में शुरू से हम ही लोग जोत रहे हैं, कब्जा हम ही लोगों का है, हम लोग सब भाई से बाहर रहते हैं। और उन लोगों ने जो नोटिस दिया था, नोटिस के अंदर नीचे लिखा हुआ है कि थाना अधिकारी को लेकर के और अगला पार्टी ज़मीन वाले को लेकर के और संपूर्ण के साथ में मफ्ती किया जाए और शांति से मफ्ती किया जाए, लेकिन हम लोग कोई थे नहीं, वो लोग अपने आप ज़मीन नाप करके अमीन को लेकर के और वो लोग जो है यानी। क्या आप भी अपने करियर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? मनचाहा कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पा रहा या फिर मनचाहा कोर्स या एडमिशन के लिए हो रही है समस्या पैसों की? तो अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आशीर्वाद एजुकेशन आपके लिए लाया है सुनहरा मौका। अगर आप GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, डी फार्मा, वो भी इंडिया के टॉप 10 नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 100% प्लेसमेंट के साथ, वो भी बैंक के द्वारा एजुकेशन लोन द्वारा, तो आज ही संपर्क करें अपने आशीर्वाद एजुकेशन में।